हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू द इंग्लिश क्लास टुडे। आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस करेंगे जो हम डेली लाइफ में अपने डेली की रूटीन में यूज़ करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो कि हम डेली बोलते हैं घर पे हिंदी में, ठीक है? उन्हें हम करेंगे आज इंग्लिश में ट्रांसलेट और आप कोशिश करेंगे उन्हें इंग्लिश में बोलने की। बहुत ही सिंपल वाले सेंटेंसेस हम आज बोलेंगे या हम आज लिखेंगे या आज हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग। रीडिंग हम यहाँ से अभी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे और लिसनिंग भी करेंगे। तो आपका काम है उसका स्पीकिंग करना। तो स्पीकिंग आपने करनी है तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपको सिर्फ ये काम करना है कि घर पे जब भी आप अपने मम्मी पापा से बात करते हो, आप अपने सिस्टर से, आप अपने ब्रदर से, फ्रेंड से, किसी भी नेबर से, किसी से भी बात करते हो, तो आपको उन सेंटेंसेस को यूज़ करना है। छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस टुडे। तो बच्चों, ये है कुछ सेंटेंसेस। लेट्स स्टार्ट विद द सेंटेंसेस। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ आओ। तो यहाँ आओ को हम क्या लिखते हैं? कम Here। ये जो यहाँ है, यहाँ का मतलब है here, ठीक है? और आओ का मतलब आना, तो come here, ठीक है? Next है हमारा वहाँ जाओ। तो जाओ का मतलब जाना, तो जाने को क्या बोलते हैं? Go, go वहाँ, वहाँ को हम कहते हैं there, go there, वहाँ जाओ, ठीक है? हम किसी को भी बोल सकते हैं, अपने फ्रेंड को, कि you go there, है ना? यू कम हेयर, हम बुला रहे हैं किसी को तो उसे बुला लेंगे, किसी को भेज रहे हैं तो यू गो देयर, है ना? दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, खोलने को क्या बोलते हैं? ओपन द डोर। दरवाजे को क्या बोलते हैं? डोर, ओपन द डोर, ठीक है? किसी को भी हम बोल सकते हैं, कमांड कर सकते हैं, कि या तो रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि ओपन द डोर, या प्लीज़ ओपन द डोर, छोटा है हमसे तो कह सकते हैं साहिल प्लीज़ ओपन द डोर, है ना? या साहिल ओपन द डोर, कुछ भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट है दरवाज़ा बंद करो, क्लोज द डोर। बंद करने को बोलते हैं क्लोज, तो दरवाज़ा बंद करो कह सकते हैं, खिड़की बंद करो, विंडो बंद करो, तो क्लोज द विंडो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? आपको सिर्फ वर्ड अच्छे से पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? पंखा बंद करो, पंखा बंद करो को क्या बोलेंगे हम? स्विच ऑफ द फैन, ठीक है? पंखे को अगर बंद करना है तो स्विच ऑफ द फैन, ठीक है? और पंखे को अगर हमने जलाना है तो स्विच ऑन द फैन, ठीक है? उसी तरह से लाइट जला दो या लाइट चला दो, तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्विच ऑन द लाइट। पंखा बंद करो की जगह हम लिख सकते हैं लाइट बंद करो, तो हम उसे लिख सकते हैं स्विच ऑफ द लाइट, है ना? अगर यहाँ पे हमने लिखा है लाइट चला दो, तो यहाँ पंखा चला दो भी बोल सकते हैं, ऑन द फैन। मुझे पानी दे दो, गिव मी वाटर, ठीक है? गिव मी वाटर। पानी की जगह आप खाना भी मांग सकते हो, गिव मी फूड। आप कपड़े भी मांग सकते हो, गिव मी द क्लोथ्स, ठीक है? आप कोई और चीज़ें भी मांग सकते हो, तो उस चीज़ का यहाँ पे आप नाम लिख देना, ठीक है? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है तुम कैसे हो, तो ये तो बहुत इजी है, हाउ आर यू, ठीक है? हम किसी से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, है ना? जैसे समझ लो कोई फ्रेंड मिला है, तो हम उसको पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू, है ना? फिर तुम क्या कर रहे हो, उसको ये भी पूछ सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, कि आप क्या कर रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? तुम कहाँ रहते हो, कहाँ क्या होता है? वेयर, वेयर डू यू लिव। तुम कहाँ रहते हो, लिव, ठीक है? लिव बोलते हैं, रहने को यहाँ बोलेंगे हम लिव, ठीक है? नेक्स्ट है तुम्हारा नाम क्या है, ये तो बहुत इजी है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, व्हाट्स योर नेम,
चलो खेलते हैं। चलो का मतलब लेट्स, चलो का मतलब क्या है? लेट्स। और खेलते हैं, खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। अब आप यहाँ लिख सकते हो कि चलो पढ़ते हैं, लेट्स रीड। हाँ, चलो पढ़ते हैं कि कुछ स्टडी भी लिख सकते हैं, या कोई और सेंटेंस देखो कि चलो चलते हैं तो लेट्स गो, है ना। नेक्स्ट है, मुझे तंग मत करो, मत करो, डोंट बॉदर मी, मुझे तंग मत करो, डोंट बॉदर मी, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो डोंट इरिटेट मी, है ना। नेक्स्ट है, जैसे कोई आपको समझ लो तंग कर रहा है, आपका छोटा भाई बहन तो आपको तंग करता है, तो आप उसको बोल सकते हो डोंट बॉदर मी, है ना, बोल सकते हो ना डोंट बॉदर मी। नेक्स्ट है, शोर मत मचाओ, समझ लो आपका कोई भाई बहन है, आपके साथ आप पढ़ रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो उसको कह सकते हो शोर मत मचाओ, है ना, डोंट मेक नॉइज, है ना। क्या बोलते हैं हम? डोंट मेक नॉइज, कि शोर मत मचाओ, डोंट मेक नॉइज। क्लास में भी आपको टीचर बोलती है ना डोंट मेक नॉइज। धीरे बोलो, स्पीक स्लोली, ठीक है। धीरे बोलने को बोलते हैं स्पीक स्लोली, ठीक है। चुप हो जाओ, चुप होने को क्या बोलते हैं? कीप क्वाइट। चुप हो जाओ को क्या लिखते हैं हम? कीप क्वाइट। जैसे हम क्लास में भी आपको बोलते हैं कीप क्वाइट, डोंट मेक नॉइज, बोलते हैं ना ऐसे हम लोग। अभी मैं डांट नहीं रही हूं, बता रही हूं। मुझे पेन दे दो तो गिव मी पेन, ठीक है। पेन की जगह आप बुक मांग सकते हो, आप रबर मांग सकते हो, पेंसिल मांग सकते हो, कोई भी और चीज़ें मांग सकते हो, क्लोथ्स मांग सकते हो, कुछ भी, कि गिव मी दिस, गिव मी दैट, गिव मी ये, गिव मी वो, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है, टाइम कितना हुआ है? व्हाट्स द टाइम? आप बोल सकते हो व्हाट इज द टाइम या व्हाट्स द टाइम, ठीक है, कि टाइम कितना हुआ है। किसी से भी आप पूछते हो, मम्मा से, पापा से, कि पापा व्हाट्स द टाइम, है ना, बोल सकते हो, या व्हाट इज द टाइम। नेक्स्ट है, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव। माफ करने को क्या बोलते हैं? फॉरगिव करना, प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी, राइट। जब भी आप किसी से माफी मांगते हो तो आप बोलते हो प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझसे गलती हो गई है ना, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। जब हम आपको डांटते हैं क्लास में तो आप भी ये कहते हो मैम प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, ऐसे बोलते हो ना। दैट मीन्स मुझे माफ़ कर दो। जब भी आप कोई घर पे गलती करो तो मम्मा को बोलो प्लीज़ फॉरगिव मी मम्मा। नेक्स्ट है, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत ही सिंपल और ईजी है, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू बोल सकते हो आप, थैंक यू वेरी मच भी बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हो। तो बच्चों, ये कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसे आप अपनी डेली की लाइफ में यूज़ करते हो। कभी मम्मी से पानी मांगते हो, कभी बहन से पेन मांगते हो, कभी किसी से कुछ भी मांगते हो, या कोई गलती कर देते हो तो उसके लिए सॉरी बोलते हो, ठीक है। कोई आपको चीज़ मिलती है, पापा कोई गिफ्ट लेके आते हैं, तो उनके लिए उसको थैंक यू बोला जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें तकरीबन वो हैं जो आप डेली यूज़ करते हो, और बहुत ही सिंपल वाले सेंटेंसेस मैंने दिए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप ना कर सको, ठीक है। आपको क्या करना है, घर में ये अप्लाई करने शुरू कर देने हैं। देखो, जब हमें इंग्लिश सीखनी है तो ये हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम साथ साथ उसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस करनी तो ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि और अच्छा अपने आप को करने के लिए, जो भी आप टीवी में चैनल्स देखते हो उसे आजकल तो ऑप्शन है आपके पास कि आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज हो जाती है ना, हो जाती है ना, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी हो जाती है। तो आप लोग जो हिंदी के चैनल्स, बेशक आप कार्टून भी देखते हो, तो उसे कोशिश करो इंग्लिश में लैंग्वेज चेंज करके देखो। देखो, 2-4 दिन तो आपको लगेगा पता नहीं क्या सुन रहे हैं यार, समझ नहीं आ रहा है, या मम्मी क्या है ये, आपको लगेगा ऐसे। लेकिन आफ्टर 3 to 4 days या 5 days, में भी वीक लग सकता है, आपको अच्छा लगने लगेगा, और आपको हिंदी अच्छी नहीं लगेगी फिर,
क्योंकि ये हमने देखो हमने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया है तो हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने एक्सपीरियंस की है और हम चाहते हैं कि आप भी इसको करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।